सीजी शिक्षा में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग सीजी बोर्ड में के क्लास टेंथ का देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर बहुपद के बारे में, जिसे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को बहुत सारे एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके थे। उसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके थे। इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज है, उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में। यह है आपका शेषफल प्रमेय। देखिए, हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाएगा तो शेषफल एफ ए होता है। यही आपका शेषफल प्रमेय है। मतलब एफ ए का अर्थ होता है कि एफ एक्स का मान जब एक्स इक्वल टू ए हो। जैसे कि हम लोग फार्मूला में जानते हैं कि चूंकि भाज्य बराबर, यहां पर देखिए, चूंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस आपका होता है शेषफल। ठीक है, अब यहां पर हम लोग भाज्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भाजक क्या है? देखिए, बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए, एक्स माइनस ए, ये हो गया। भागफल को मान लेते हैं माना कि क्यू एक्स, शेषफल को मान लेते हैं माना कि आर। क्लियर? तो यहां पर हम लोग इनपुट करते हैं एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए। तो यहां पर एफ ए का अर्थ होता है एफ एक्स का मान जब एक्स इक्वल टू ए। तो यहां पर हम लोग एक्स इक्वल टू ए रख देते हैं, ए रखने पर, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए रख देते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये ए माइनस ए इंटू हो जाएगा क्यू एक्स प्लस हो जाएगा आपका आर। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स है तो यहां पर हो जाएगा आपका एफ ए। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा ए माइनस ए मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू एक्स प्लस हो जाएगा आर, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा आपका। एफ ए इक्वल टू हो जाएगी आपका जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा आपका आर, एफ ए इक्वल टू आर, मतलब ये आपका रिमाइंडर शेषफल प्रमेय के बराबर होता है। आर से हमको इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये शेषफल है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको ए के रूप में शो करेंगे। तो यही था हमारा शेषफल प्रमेय। तो चलिए इसी शेषफल प्रमेय का उपयोग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उपयोग करेंगे। तो चलिए अगला एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखना पड़ेगा गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, उस एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको गुणनखंड प्रमेय देखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी संख्या होता है उसका वह दूसरे संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे कि यहां पर मेरे को 25 का निकालना है, जैसे यहां पर है 25 है, तो इसका मैं गुणनखंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 5 × 5 हो जाएगा, मतलब ये 5 से जाएगा आपका, 5 पर से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि इसका गुणनखंड देखेंगे 16 का देखेंगे, ये 4 से जाएगा, 4 × 16, 4 × 4, इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का क्या है, प्रमेय है, गुणनखंड के रूप में है। तो फिलहाल गुणनखंड प्रमेय को हम लोग आगे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सेकेंड है। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x + 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय के मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय के मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहला 2x - 1 है। ठीक है, तो पहला हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया है। देखिए, तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। क्वेश्चन यहां पर है हमारा, देखिए एक्स क्यूब है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया गया है हमारे पास इस तरीके से, दिया है, दिया कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x + 8, इतना दिया गया। तो शेषफल प्रमेय के उपयोग से हमको सीधा करना है। ठीक है, तो पहला हमको दिया गया है 2x - 1। तो पहला हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होता है आपका एफ ए इक्वल टू होता है आपका 0, इस तरीके से। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2x - 1 = 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2x = 1, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट होता है, डिवाइड में। अब x की जगह हम कितना इनपुट करेंगे, 1/2, फर्स्ट टाइम इसके लिए केवल देख रहे हैं ना। तो चलिए यहां पर इनपुट कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब है यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगा 3x² है तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x है तो 5 × कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 8 है तो प्लस 8 का 8 ही रहेगा। क्लियर? तो ये था हमारा शेषफल प्रमेय। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1³, 2³ आपका हो जाएगा 8, प्लस 3, 1² होता है आपका 4, माइनस हो जाएगा 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, प्लस ये हो जाएगा आपका 8। क्लियर? इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
यहां से 1 बाय 8 प्लस हो जाएगा 3 बाय 4, माइनस हो जाएगा 5 बाय 2, प्लस हो जाएगा 8 बाय 1। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यह हो जाएगा। तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 4 1 जा 4 प्लस हो जाएगा 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 8 4 जा 32, माइनस हो जाएगा यहां पर 5 1 जा 5, ठीक है। यहां इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं ताकि आपको लोगों को जल्दी से समझ में आए। यहां से नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं यहां पर कितना है, 1 बटे 8 प्लस 3 बटे 4 माइनस 5 बाय 2 प्लस 8 बाय 1। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां था हमारा 1 बाय 8 प्लस था 3 बाय 4, क्लियर। और कितना था हमारा 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 4 माइनस 5 बाय 2 प्लस 8 बाय 1, माइनस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 प्लस 8 बाय 1। इसको यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, माइनस हो जाएगा 5 एकम 5 और 8 दूनी 16, 2 एकम 2। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 24 4 28, 28 बटे 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 5 21, 21 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको और एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, 28 दूनी कितना होगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 56, माइनस हो जाएगा 32 एकम 32 और 32 दूनी 64 और 32 दूनी ये हो जाएगा 64। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 641 में आपको माइनस करना है 56, तो कितना हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो 5, 3 में 13 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 5 बटे 64, ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। ये था हमारा शेषफल प्रमेय का पहला क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इसके पहले एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये था हमारा एक और क्वेश्चन, यहाँ पर था हमारा एक और क्वेश्चन, इसी के बेस पे ये था, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा एक्स प्लस टू। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित में से भाग करें कि शेषफल से शेषफल पर हमें ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 2 है तो यहां पर दिया गया है, तो px इक्वल टू होता है 0, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू होता है आपका 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। तो x की जगह हम लोग कितना रखेंगे, अब माइनस 2 रखेंगे। तो यहीं पर रखना है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के स्थान पर रखना है, क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, x प्लस 2 के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, हमको यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में x प्लस 2, इसके लिए हमको सॉल्व करना है x प्लस 2 के लिए। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये पी एक्स इक्वल टू होता है 0, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2। अब x की जगह में हम लोग कितना इनपुट करेंगे, माइनस 2 इनपुट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब x की जगह में कितना रखने पर, x इक्वल टू माइनस 2 रखने पर, तो चलिए x की जगह में हम लोग माइनस 2 रख देते हैं, यहाँ पर कितना रख देंगे माइनस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x का क्यूब है तो माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x है तो कितना हो जाएगा माइनस 2, प्लस हो जाएगा आपका 8। जब भी विषम संख्या की घात होती है तो उसका विषम है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5 2 जा होगा 10 प्लस 8, आंसर कितना आएगा माइनस 8 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 10 8 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगी 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, 30 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 22, ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x की जगह हम लोग माइनस 2 रखेंगे। तो इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन इसको आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये आपका थर्ड नंबर को x माइनस 4 और x प्लस 1 को, ये दोनों को आप लोग अपने से क्लास वर्क कीजिएगा, क्लियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। ठीक है, अगर gx px का गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये आपको दे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, देखिए gx x माइनस 3 px x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो यहाँ पर हमको दिया गया है, देखिए दिया है gx इक्वल टू दिया है हमारा x माइनस 3। ठीक है, और px इक्वल टू दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। क्लियर, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर होता है जी एक्स इक्वल टू होता है आपका 0। क्लियर, जी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को इनपुट कर देते हैं, कितना दिया गया है x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब x की जगह में हम लोग कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, अगर x की जगह में हम लोग 3 रखेंगे और उसका मान 0 आ जाएगा, तो यह जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण एक में एक्स इक्वल टू माइनस 3 सॉरी प्लस 3 रखने पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस 3 रखने पर हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं P3 हो जाएगा, ये x का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 6 का 6 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 जा 9, 9 जा 27, माइनस 4 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 3 प्लस 6 से कितना हो जाएगा 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 27 माइनस 9 4 जो 36 प्लस 9, 27 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 36, तो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 0 आएगा तो जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। अगर संख्या के रूप में आ गया, ऋणात्मक के मान के रूप में आ गया या धनात्मक मान के रूप में आ गया तो वह गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो ये आपका गुणनखंड है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, क्लियर, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद है सेकेंड नंबर इसी का, इसमें बोल रहा है देखिए कि जी एक्स, इसमें बोल रहा है कि जी एक्स एक्स प्लस 1 पी एक्स के रूप में इस तरीके से है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, जी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1 और पी एक्स इक्वल टू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे यहां से। ठीक, तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोगों को दिया गया है उसको लिख लीजिए, पहला दिया है यहाँ पर हमको दिया गया है जी एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है एक्स प्लस 1 और पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये दिख है, यहाँ पर डबल प्लस आ गया है, ये सिंगल प्लस है। क्लियर, तो पी एक्स इक्वल टू दे दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, चूंकि यहाँ पर होता है जी एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 1। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो समीकरण एक में x की जगह हम लोग कितना रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, तो अगर माइनस 1 रखेंगे उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यह गुणनखंड है, अथवा अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो समीकरण एक में x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर, मतलब रखने पर, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा पी माइनस 1 हो जाएगा, ये इसको फोकस कीजिए, इस वाले को फोकस कीजिए। ठीक है, 2x है तो 2x का क्यूब है तो यहाँ पर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 हो जाएगा, अटैचमेंट में x है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस 1।
एक्स के जगह में रखना है, किसके जगह में रखना है, एक्स के जगह में, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब आपका माइनस वन ही होता है, क्लियर। जैसे यहाँ पर है माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस का प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस का फिर माइनस होता है, क्लियर। इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसी को सॉल्व करना है, क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं, इसी कड़ी में इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस वन, इसकी घात सम है, तो जिसकी घात सम होता है उसका वैल्यू आपका धनात्मक ही आएगा, और ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक आएगा। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, टू वन जब टू हो जाएगा प्लस वन होगा। ये आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, प्लस टू प्लस वन हो जाएगा, माइनस प्लस के कारण ये दोनों कट जाएंगे, वन प्लस वन टू हो जाएगा। देखिए इसका एक संख्यात्मक मान आ गया, धनात्मक मान आ गया, मतलब ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अगर जीरो आता तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड नंबर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, जी एक्स एक्स माइनस टू पी एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। उसी कड़ी को एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहां पर हमको दिया गया है जी एक्स, एक और क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पर हमको दिया गया है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्लियर। और पी एक्स इक्वल टू दिया गया है हमको एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो चूंकि उस प्रमेय के आधार पे हम लोग जानते हैं कि चूंकि जी एक्स इक्वल टू होता है आपका जीरो, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा जीरो, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका टू। तो एक्स की जगह में हम लोग कितना पुट करेंगे भाई, एक्स की जगह में हम लोग दो रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, इसको मान सकते हो आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं मानोगे फिर भी चलेगा, लेकिन मान लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर रख लेना, समीकरण एक में एक्स बराबर माइनस सॉरी एक्स बराबर दो रखने पर, ठीक है, कितना रखने पर, दो रखने पर। तो चलिए दो रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स है तो टू, पी टू हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर है तो टू टू द पावर फोर, माइनस एक्स क्यूब है तो टू द पावर थ्री हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये टू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस टू हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस टू है, क्लियर। तो सॉल्व करते हैं, टू द पावर फोर, टू टू जब फोर, फोर टू जब एट, एट टू जब कितना हो जाएगा आपका सिक्सटीन, माइनस टू का क्यूब कितना होता है एट, माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, माइनस टू माइनस टू, चलिए ये हो जाएगा आपका 16, माइनस एट माइनस फोर माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और माइनस टू माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन माइनस टू माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका जीरो। तो जब जीरो आ जाता है तो क्या रहता है भाई, जी एक्स पी एक्स का क्या रहता है, गुणनखंड रहता है। अतः जी एक्स पी एक्स का क्या है आपका, गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो ये तो गुणनखंड वाला क्वेश्चन हो गया, शेषफल प्रमेय के द्वारा भी हम लोग इसको देखे थे, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ये और पी एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको आप लोग क्लास वर्क के रूप में कीजिएगा, इसी के बेस पे है, क्लियर। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग, ये आपका फिफ्थ नंबर भी है, जी एक्स इक्वल टू ये प्लस वाला है तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर इतना आप लोग पुट कीजिएगा किसमें, पी एक्स में, ठीक है। क्वेश्चन में पुट कीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस फोर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इतना है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, तो x इक्वल टू कितना इनपुट करेंगे, माइनस फोर इनपुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू, एक्स की जगह में माइनस फोर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस वन, माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस माइनस का माइनस, फोर टू जा एट माइनस वन, 16 माइनस नाइन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7, मतलब ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका संख्यात्मक मान आ गया है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे में यह है कि निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, इसी के बेस में ए का आपको मान ज्ञात करना है जब जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो इसमें उसी के कड़ी में आपको देखना है,
ठीक है, जो गुणनखंड प्रमेय के रूप में आप लोगों को बताया था मैं। तो इस गुणनखंड को देखने के पहले आप लोगों को गुणनखंड प्रमेय जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग एक गुणनखंड प्रमेय को देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे गुणनखंड प्रमेय को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही और करते हैं, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।